इसमें पूरा रेत रेत हो रहा है, तो हम इसी में चला के देखेंगे इसको क्या पाएगी ये या फिर फंस जाएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माई YouTube चैनल। एंड मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं कि इसका ऑफ रोडिंग में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जो कि रेतों में या फिर कुछ गड्ढे मुड्ढे होते हैं उनमें इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आज वही करने वाले हैं हम इसके साथ कि हम इसको चलाएंगे फुल्ली ऑफ रोड पे और रेत में भी चला के देखेंगे कि चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी या फिर रेत में फंस जाएगी ये या फिर गड्ढा जो गड्ढे होते हैं उनमें भी फंस जाएगी। तो आज हम यही करने वाले हैं। इसके साथ मेरे साथ है राहुल, अनिकेत और प्रशांत हैं। तो ये आए हुए हैं मेरे साथ। ये तो कैमरा पकड़ेगा मेरा, वो फ़ोन पकड़ेगा मेरा, कैमरा तो अभी है ही नहीं, फ़ोन पकड़ेगा ये मेरा जब मैं बाइक को ऑफ रोडिंग पर टेस्ट करूँगा और चलाऊँगा इसको। तो क्या है, वाह टाटा सफारी जा रही है, उसको देख के मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका जो ऑफ रोडिंग टेस्ट है और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज के की। तो अभी लगभग कितने छः बज चुके हैं शायद, मैं बता रहा हूँ यार, बैठने से ही ना है कि यार मेरे माँ गरीब आदमी। छः फिक्स अभी, बिल्कुल फिक्स 6 बज चुके हैं और 6 बजे हम आए हुए हैं अपने खेतों में। आज मैं लेट हो गया इसके नहाने की वजह से, ये नहाया नहीं था, बहुत देर में नहाया था तो इसलिए लेट हो गए। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की और इसको ऑफ रोडिंग टेस्ट की। तो सबसे पहले हम इस पर टेस्ट करेंगे, इसको उतार के भी देखेंगे और चढ़ा के भी देखेंगे कि ये उतर तो जाएगी लगभग, मुझे पक्का पता है क्योंकि इधर से थोड़ा नीचा है उधर की तरफ, लेकिन उधर की तरफ से मुझे पता नहीं है चढ़ पाएगी या फिर नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत हो रहा है यहाँ पे इसलिए। यहाँ पे आके बताना, वहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा बस। नहीं रीजन नहीं है कुछ भी, आजकल रीजन का तो हमने बता दिया कल। और आज इसकी पावर टेस्टिंग भी हो जाएगी कि ऑफ रोडिंग में इसकी पावर कैसी रहती है और आपको पता चल जाएगा इसका पूरा कि पावरफुल है या फिर नहीं है, क्योंकि इसमें 179 सीसी का इंजन आता है, उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा आज की इसकी कितनी पावर होती है। तो देखो ये यहाँ से लेके पूरा रेत रेत हो रहा है, पहले यहाँ पर रोड बना हुआ था लेकिन कुछ कारणों की वजह से टूट गया होगा, मुझे तो पता नहीं है, इसमें पूरा रेत रेत हो रहा है। तो हम इसी में चला के देखेंगे इसको कि चल पाएगी या फिर नहीं, और चलो शुरू करते हैं इसकी चाबी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप क्या कहना चाहोगे, ये चल पाएगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? चल पाएगी, चलो भाई इसकी इसकी पावर के हिसाब से बता रहा है और मोटरसाइकिल की जो बल्कनेस है ना उसको देख के बता रहा है ये चल पाएगी। बस ये ना जो मतलब ये जो मोटी है ना, यहाँ की वजह से बता रहा हूँ बस। अरे नहीं, मुझे पावर पता है मुझे। अरे भैया सही में वहाँ से तो मैं इसको भगा के लेके आया हूँ, जो वहाँ का स्टार्टिंग रोड था इसका जो बूढ़ा रेत है इसमें पूरा, यहाँ से इसको मैं धीरे चलाऊँगा और टेस्ट करूँगा कि धीरे में कितनी जा पाएगी ये या फिर फंस जाएगी।
चले जा पीछे भगो जाएगा कि ऐसे भगा मैं ना भगा मारो वो मैं पास ना जा बैठा हो नहीं जन यहाँ पे बैठा हो ले जब फाइनली मैं निकल गया हूँ इस छोटे छोटे गड्ढों से और तीनों आए हुए मेरे साथ तो यही मेरे आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं और इन्होंने ही कैमरा पकड़ा था मेरा और सिनेमैटिक भी इन्होंने ही लिए थे जो पूरे बहुत बढ़िया है। सो गाइज मैंने आपके लिए बोरायत में भी चला के दिखा दी है और इसमें जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनमें भी चला के दिखा दी पूरी। इनमें तो थोड़ी थोड़ी अटक गई थी और इसमें तो बिल्कुल नहीं अटकी थी, बस थोड़ा सा पहिया इसका घूमा था। होने को तो ज़्यादा है लेकिन इसके लिए ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि ये निकल चुकी थी उधर से, तो ये आई गई थी क्योंकि उधर से थोड़ा नीचा है और इधर से मैंने चढ़ा के देखी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इसमें आसानी से चढ़ गई थी। और एक मैंने आपको लिए प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि इसका इंजन इनके लिए तो पावरफुल है फुल्ली, और इसमें अगर पानी भरा होता तो थोड़ी सी और कठिनाई आती इसको निकालने में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन आती ज़रूर, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती जो अभी मैंने चलाई थी, पहिया फिसल गया था इसका और तीन चार बार बंद हो चुकी थी। बंद तो ये वैसे भी हो रही है रोड पर, थोड़ी कुछ आ गया होगा इसमें प्रॉब्लम, तो बंद किया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा लेकिन जो पहिया फिसला था इसका और अटक भी गई थी इन गड्ढों में थोड़ी थोड़ी, एक दो बार तो इनके कारण ही बंद हुई थी ये, लेकिन उसके बाद नहीं हुई, पर पहिया फिसलता जा रहा था इसका और पानी में थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लम आती इसकी क्योंकि पहिया और भी ज़्यादा फिसलता जब इसमें सूखे में इतना फिसल रहा है तो पानी में और भी ज़्यादा फिसलता इसका। लेकिन ये पक्का है, ये पक्का श्योर कह रहा हूँ मैं कि निकल जाती इसमें से, ये पक्का है इसका पावरफुल इंजन है जो इसमें से निकल जाती, ये मुझे पक्का पता है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना जिससे कि आपके पास मेरी रोज़ाना इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोस पहुंचती रहें। और आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, अभी 7:15 बज चुके हैं, मतलब 6:45 हो चुके हैं और मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग एंड वीडियो के साथ, तो मेरे ब्लॉग एंड वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइज, ये मेरा भाई है जो कि आपके लिए रोज़ाना ब्लॉग डालता है, रोज़ाना वीडियो कंटेंट डालता है, ये आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत रिस्क भी लेता है, बाइक को कुछ हो भी गया तो नुकसान हो सकता है, हमको भी भरना पड़ेगा। तो आशा है कि इसकी आपको इसकी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।